सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। आज सावन का अद्भुत संयोग तीसरे सोमवार के साथ आज नागपंचमी भी देश भर के साथ साथ प्रदेश के हर मंदिरों में लग रहा है भक्तों का तांता। भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। कश्मीर में सेना के 28,000 जवानों के फिर तैनाती। घाटी में महबूबा उमर नजरबंद गरमाए सियासत। संसद के दोनों सदनों में आज हो सकता है हंगामा। विपक्ष सरकार से बयान देकर कर सकता है स्थिति साफ करने की मांग। उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लाया गया दिल्ली कड़ी सुरक्षा के बीच। सीतापुर जिला जेल पहुंचे आज 30,000 कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई ने कल भी की थी पूछताछ। सोनभद्र मामले में बनाई गई जांच कमेटियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई। सोनभद्र के डीएमएसपी को हटाया गया। कई लोगों पर दर्ज होंगे केस। सीएम ने कहा एक को भी नहीं बख्शेंगे। उन्नाव पीड़ित के हादसे के मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापे मारे। ड्राइवर क्लीनर के घर भी पहुंची सीबीआई। लखनऊ उन्नाव बांध और फतेहपुर में भी कई ठिकानों पर मारे गए छापे। उन्नाव रेपकांड मामले में नामजद आरोपियों में की आज सीबीआई से करेगी उनसे पूछताछ। एफआईआर में दर्ज नामजद आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा 9 अन्य आरोपी किए गए तलब। उन्नाव रेप पीड़िता की हालत अभी नाजुक नहीं है। कोई सुधार। तेज बुखार और निमोनिया से ग्रसित है पीड़िता। डॉक्टरों की टीम लगातार रख रही निगरानी। वकील के हालत में आया थोड़ा सुधार। दिल्ली में पीएम आवास पर आज होगी कैबिनेट बैठक। कश्मीर में बड़ी हलचल के बीच मोदी सरकार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालात पर हो सकती है चर्चा। सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। उत्तराखंड में अधिकारियों पर लगातार सख्ती के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक। आज तीसरा दिन सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। 8 अगस्त तक बैठक का कार्यक्रम। और लगातार दौरे पर यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंच रहे हैं ताज नगरी आगरा। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। दिन भर के कार्यक्रम के बाद शाम को लौट जाएंगे लखनऊ।